हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बात करूंगा आंखों की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो नई तकनीक्स आने के बाद हम देख रहे हैं कि ये आम लोगों में बहुत मात्रा में पाई जाती है। इस बीमारी का नाम है किराटोकोनस। किराटोकोनस क्या होता है? किराटो मतलब पुतली, कोनस मतलब कोन जैसा हो जाना। सो हमारी जो आंख का जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, जो पहली लेयर है, उसमें कुछ पॉइंट वीक होने की वजह से आंख के प्रेशर के साथ वो हिस्सा आगे कोन जैसा बन जाता है। सो पुतली का कोन जैसा आकार लेना, इसको हम किराटोकोनस कहते हैं। दोस्तों, ये किराटोकोनस होता क्यों है? किराटोकोनस के ज़्यादातर दो ही कारण देखे गए हैं। पहला होता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब जिन लोगों की पीछे से हमारे जीन से पुतलियाँ अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होती हैं, उनमें ये बीमारी पाई जाती है जिसको हम किराटोकोनस कहते हैं। दूसरी एक बड़ी मात्रा है उन लोगों की जिनमें आई एलर्जीज रहती हैं बचपन से, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को मसलते रहते हैं। तो आंखों को मसलने से कंटिन्यूसली दिन प्रतिदिन, महीनों साल, तो जो उसकी आगे की लेयर है वो और पतली हो जाती है और अंदर के प्रेशर की वजह से वो आगे की तरफ फूलनी शुरू हो जाती है। तो इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि ये आपको किराटोकोनस है या नहीं है? किराटोकोनस अक्सर बच्चों में शुरू हो जाता है और एडोलोसेंस एज तक काफ़ी लोगों में हमने देखा है कि ये पाया जाता है। एडोलोसेंस मतलब टीनेजर्स, यानी कि जो 10 साल से बच्चों से लेके इवन 25-30 साल के जो लोग होते हैं उनमें अक्सर हमारे कुछ टेस्टों में पाया जाता है। जिन लोगों के चश्मे के नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, बार बार बदल रहे हैं, जिनके चश्मा लगाने के बाद भी उनकी नज़र पूरी 6x6 नहीं हो पा रही है, उनकी एज यंग है, जिन लोगों को रात को देखने में दिक्कत आती है या फिर उनको ऐसा लगता है कि जो आकार हैं वो पूरे सही तरीके से नहीं बन रहे, या सामने की जो लाइट हैं वो रात को ड्राइविंग में फैली हुई दिख रही हैं या नाइट ड्राइविंग में दिक्कत आ रही है, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके साथ लोग हमारे पास आते हैं। तो हम उनके चश्मे के नंबर चेक करने के बाद उनकी पुतली का एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कॉर्नियल टोपोग्राफी कहते हैं। कॉर्नियल टोपोग्राफी एक मैप है हमारी कॉर्निये का, जिस तरह की गूगल मैप होता है हमारे पूरे शहर का, इसी तरह हमारे पूरी पुतली या कॉर्निये का हम एक मैप लेते हैं और उसमें से हमें वो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो डिराइव करते हैं, जो हमें बताते हैं आपके किस हिस्से में पुतली कमज़ोर है और वो आगे और कितनी कमज़ोर हो सकती है। दोस्तों, जब ये पुतली कमज़ोर होने का हमें डायग्नोसिस मिल जाता है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या रहती हैं? अगर तो ये बहुत माइल्ड किराटोकोनस हो और आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष या उससे अधिक हो तो इसका प्रोग्रेशन या ये बढ़ना अपने आप ही उम्र के साथ कम हो जाता है 30 से 40 साल की उम्र में। तो उन माइल्ड केसेस में हम कोई सर्जरी नहीं करते हैं, सिर्फ उनको चश्मे के साथ या कॉन्टैक्ट लेंस देके, और अगर थोड़ा ज़्यादा प्रोग्रेस्ड है तो हम हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस, जिसको RGP या मिनी स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं, उससे उनकी नज़र को बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ ही हम उनको अपने फॉलोअप में रखते हैं देखने के लिए कि ये कितना बढ़ रहा है, और अगर वो उसके बाद भी बढ़ता है तो हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ सकती है। पर जो लोग यंग हैं, जिनकी उम्र 10 साल से 20-22 साल, 25 साल की उम्र में है, तो ये थोड़ा तेज़ी से बढ़ता है, तो उन केसेस के अंदर हम जल्दी सर्जरी का प्लान करते हैं। और इस सर्जरी में हम करते क्या हैं? इस सर्जरी का नाम है C3R, कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग विद राइबोफ्लेविन। हम आपकी पुतली की पहली परत को उठा के उसके अंदर राइबोफ्लेविन मॉलिक्यूल डाल के अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ उसमें मिक्स करके उसके कोलाजन फाइबर्स को स्ट्रेंथन कर देते हैं, जो हमारी आंख के सरिये का काम करते हैं, जिससे आपकी आंख अंदर के प्रेशर से और पतली ना हो। दोस्तों, इस सर्जरी के बाद अक्सर लोग ठीक रहते हैं और 3 से 4 महीने के बाद हम उनको उनकी नज़र बढ़ाने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस, जो RGP भी हो सकते हैं या फिर मिनी स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं, और कुछ लोगों में हम परमानेंट लेंस इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो तो उनमें हम परमानेंट लेंस, जिनको हम फेकिक लेंस बोलते हैं, वो भी इम्प्लांट करके उनको चश्मे से भी निजात दे सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों, किराटोकोनस से बचने के लिए
आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर एक, अपनी आंखों को मसलना नहीं है। नंबर दो, जब आप बाहर जाते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस यूज करें ताकि आपकी आंखों में एलर्जीज ना हो और आपका केराटोकोनस नहीं बढ़े। और जब भी आप अपने विशेषज्ञ को दिखाते हैं तो उनकी सलाह पे जो आपकी पुतली है उसके जो टेस्ट है टोपोग्राफी वो रेगुलरली कराएं। और जब आपके विशेषज्ञ आपको इसकी सर्जरी के लिए कहते हैं तो कृपया इसको डिले नहीं करें, इसको टाले नहीं, इसको समय पे इसका इलाज कराएं, जिसके साथ आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी और आप लंबे समय तक बहुत अच्छी नज़र से इस दुनिया को देख पाएंगे। यही हमारी कोशिश है, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपके कोई भी और सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आप लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको इसके पर्याप्त आंसर देंगी और हम आपसे कनेक्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों।